डेनमार्क रे गुंजरित हेला वंदे मातरम ध्वनि वंदे 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 वंदे। कोपेनहेगन रे सारा परिवेश केवल मोदी मोदी नारा रे प्रकंपित। कोपेनहेगन रे प्रधानमंत्री को स्वागत कले प्रवासी भारतीय। डेनमार्क रे भारतीय को प्रधानमंत्री मोदी को संबोधन। मोदी को सह उपस्थित थिले डेनमार्क प्रधानमंत्री। भारतीय को स्वागत करी खुशी व्यक्त करबा सह डेनमार्क प्रति भारतीय को अवदान को प्रशंसा कले डेनमार्क प्रधानमंत्री। प्रवासी माने भारत और डेनमार्क को जोड़ी। डेनमार्क भारत बंधुत्व विषय अनेक सुजोग सृष्टि करिवो डेनमार्क प्रधानमंत्री कहते। यापर डेनमार्क रे भारतीय को संबोधन करते प्रधानमंत्री मोदी। राष्ट्र रक्षा एवं राष्ट्र निर्माण में भारतीय माने एकाठी बोली से कहते। सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास ही समस्त समृद्धि हो पार। भारतर उपलब्धि केवल भारतीयों नुहे बरम सारा मानव जातिर। विश्वर संकट समय छिड़ा होई भारत। भारतर वैक्सीन पाई अनेक देश उपकृत होता प्रधानमंत्री कहते। एथस डिजिटल इंडिया संपर्क में मोदी अवगत कराइले। केवल सहर नुहे गाँव में पहुंची डिजिटल इंडिया लेखा हो नुआ भारतर रियल स्टोरी। से भारत पलटि ग्लोबल डिजिटल पावर। विश्वर सप्लाई चेन में विश्वस्त पार्टनर साजिश भारत। विश्वर विनाशकारक कौन घटन भारतर संप्रति नए। युजाण थ्रो मानसिकता विश्वपाई क्षतिकारक संबोधन ने कही प्रधानमंत्री। आप लोगों ने डेनमार्क की प्रधानमंत्री जी का और मेरा यहां जो भव्य स्वागत किया उसके लिए मैं आप सभी का बहुत आभारी हूं। आज प्रधानमंत्री फेडरेशन का यहां होना इस बात का प्रमाण है कि भारतीयों के प्रति उनके दिल में कितना प्यार और सम्मान है। मैं उन्हें इस कार्यक्रम के लिए समय निकालने के लिए यहां रूबरू आने के लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथियों, कोरोना के कारण बहुत समय तक सभी की लाइफ एक तरह से वर्चुअल मोड में ही चल रही थी। अब ऑनलाइन से हमें ऑफलाइन जाना है और हकीकत ये भी है कि ऑफलाइन ही लाइफलाइन है। पिछले साल जैसे ही आवाजाही मुमकिन हुई तो प्रधानमंत्री फेडरेशन पहली हेड ऑफ द गवर्नमेंट थी जिनका हमें भारत में स्वागत करने का अवसर मिला था। ये भारत और डेनमार्क के मजबूत होते संबंधों को दिखाता है और खास बात यह है कि हमारी ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप प्रधानमंत्री फेडरेशन की व्यक्तिगत प्राथमिकताओं और उनकी वैल्यूज से गाइडेड है। आज उनके साथ मेरी जो चर्चा हुई है उसे दोनों देशों के संबंधों को नई ताकत मिलेगी, नई ऊर्जा मिलेगी। प्रत्येक भारतीयों को निज निजर दायित्वशीलता जाग्रत करने को आह्वान देते। देश आजादी का अमृत महोत्सव पालन करता बेले भारतीयों दायित्व बढ़ी। विश्वर समस्या समाधान जानापी भारत आसवाक डेनमार्कवासी को मोदी आह्वान देते। प्रतिवर्ष पांच जन विदेशी बंधु को भारत भ्रमण पर आने को प्रवासी भारतीयों परामर्श दे मोदी। पांच नॉन इंडियन फ्रेंड्स, इंडियन नहीं, पांच नॉन इंडियन फ्रेंड्स को हिंदुस्तान देखने के लिए भेजने का काम कर सकते हैं, उनको प्रेरित कर सकते हैं। अभी से टारगेट कीजिए, हाँ इन पांच को तो मुझे हिंदुस्तान देखने के लिए भेजना है और फिर उसको समझाइए, देखिए
हमारे यहाँ दक्षिण में ये है, तमिलनाडु में ये है, ओडिशा में ये है, बंगाल में ये है, जाइए। आपको कल्पना है दोस्तों, आप दुनिया की कितनी बड़ी ताकत बन जाओगे। फिर ऐसा मत करना कि वहां डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। प्रवासी भारतीयों को से प्रकृत राष्ट्रदूत बोली कह चुके विश्वास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम अपने डेनिश दोस्तों के कहना चाहते हैं, कम टू इंडिया टू जॉइंटली फाइंड आंसर्स टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द प्लेनेट।